यस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन्स की लेक्चर सीरीज में। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है हमारा लेक्चर नंबर बेसिकली 83.3। पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने आपको समझाया था कि स्टार कनेक्शन क्या होता है और स्टार कनेक्शन के अंदर लाइन वोल्टेज, लाइन करंट, फेज वोल्टेज, फेज करंट और लाइन और फेज के बीच में रिलेशन क्या होता है उसके बीच में, और उसका फेजर क्या होता है, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। उससे पहले मैंने आपको ये भी समझाया था कि शेल टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है लेक्चर नंबर 3.2 में, और हमने देखा था कि इंडिविजुअल अलग अलग लोकेशन पर, मतलब सेंट्रल लिंब पे, आउटर लिंब पे, इनर लिंब पे अलग अलग फ्लक्स जाता है, और चूँकि फ्लक्स एरिया का फंक्शन है, हम कह सकते हैं कि नॉट ए फंक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन एरिया, तो जहाँ पर फ्लक्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा वहाँ उसका एरिया ज़्यादा होगा, है ना। और स्टार में मैंने समझाया था कि आप लाइन करंट जो होता है वो फेज करंट के इक्वल होता है, और लाइन वोल्टेज जो होता है वो रूट थ्री टाइम्स ऑफ दी फेज वोल्टेज होता है। इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपको डेल्टा के बारे में थोड़ा बताऊँगा कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज, लाइन करंट और फेज वोल्टेज, फेज करंट में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा वाइंडिंग को बनाने के लिए हम पहले इसका सर्किट को एज्यूम कर लेते हैं कि मान लीजिए ये एक फेज है ना, और यहाँ पर एक दूसरा फेज मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, ये तीसरा फेज यहाँ पर आ गया इस तरीके से, आप देख रहे हैं लाइक दिस। सप्लाई दे दीजिए, सप्लाई मैंने दे दी है लाइक दिस। कुछ नेमिंग हम कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये ए है, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। लाइन में जाने वाला करंट लाइन होता है, फेज में जाने वाला करंट फेज होता है। तो लाइन में जाने वाला करंट लाइन होता है तो हमने उसको लाइन करंट को माना ए। फेज सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं ए बी सी, ए के बाद बी, बी के बाद सी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली बी, ये हमारा क्या हो जाएगा बेसिकली सी, ठीक है। यहाँ जो करंट है वो फेज करंट है, उसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स सपोज इट इज आई ए बी। सिमिलरली ये जो करंट होगा इसको हम नाम दे देते हैं इट इज आई बी सी, और इस करंट को हम नाम दे देते हैं लेट्स सपोज इट इज आई सी ए, ठीक है। अब हमें ये लाइन करंट और लाइन वोल्टेज, सॉरी लाइन करंट और फेज करंट आ गया है। अब हम ड्रॉ करेंगे लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज, दो लाइन के बीच का वोल्टेज होता है लाइन वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि इस सिस्टम के अंदर वी ए सी जो है, जो कि यहाँ से यहाँ तक मैग्नीट्यूड है, वो हमारा एक लाइन वोल्टेज है। हम ये कह सकते हैं कि इधर से जो वो वी बी सी जो है वो एक लाइन वोल्टेज है, वी बी सी लाइन वोल्टेज, और वी ए सी, वी बी सी एंड वी ए बी, वी ए बी बेसिकली यहाँ से ले लो, या फिर आप ये पूरा ले लो यहाँ से, इधर से लेके जब तक ये जो है, दिस इज वी ए बी, दिस इज नथिंग बट इट इज ए अनदर लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज के सामने जो लाइन है वही फेज के इक्वल है, जैसे कि इस तरीके सर्किट भी इस तरीके से है, जैसे कि ये है दो लाइन, ये लाइन वोल्टेज है जिसको आप वी ए बी, बी बी सी, ए बी सी ए बोल रहे हैं, और ये एग्जैक्टली इसके पैरेलल में है, और ये हमारा फेज वोल्टेज है। तो लाइन वोल्टेज यहाँ पर फेज वोल्टेज के इक्वल होता है, तो जो वी ए बी है वो यहाँ पर होगा, वो बी सी है, बी सी यहाँ पर होगा, इसमें तो बेसिकली कॉन्सेप्ट। अब हमें इसका रिलेशन को निकालना है, तो सबसे पहले हमें ये समझ में आ गया कि वी ए बी इजिकल्स टू वी बी सी इजिकल्स टू वी सी ए, ये हमारा लाइन वोल्टेज है, और जो लाइन में वोल्टेज है वही फेज में वोल्टेज है। देखो ये ए सी के इक्वल, ए सी के इक्वल कौन सा वोल्टेज है, वी ए सी, वी ए बी के इक्वल वी ए बी, और वी बी सी के इक्वल वी बी सी। तो हम कह सकते हैं जो लाइन वोल्टेज है इसमें वी फेज के इक्वल है, तो एक रिलेशन हमारे लिए आ गया वी लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू वी फेज वोल्टेज। अब हमें ड्रॉ करना है रिलेशन बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट, यहाँ थोड़ा सा चेंज होता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे थे स्टार कनेक्शन के अंदर, स्टार के अंदर लाइन करंट फेज करंट के इक्वल होता है, पर लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के इक्वल नहीं होता। सेम रिलेशन यहाँ उल्टा होता है डेल्टा में, कि लाइन करंट फेज करंट के इक्वल नहीं होता है, वो कुछ रूट थ्री टाइम्स आता है, और फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है डेल्टा के केस में। फेजर ड्रॉ करने के लिए जैसे कि मैंने शुरुआत करी थी एक
कॉमन प्रिंसिपल आप यहाँ तक लीजिए, डेल्टा स्टार तक कभी आपको अगर आपको ड्रॉ करना है फेजर, हमेशा स्टार के लिए शुरुआत करें फेज वोल्टेज से, स्टार के लिए शुरुआत करें फेज वोल्टेज से, पहले फेज वोल्टेज ए था, बी था, सी था, देन हमने लाइन कर लाइन वोल्टेज को ड्रॉ किया था। सिमिलरली डेल्टा के लिए अगर आपको कोई भी फेजर ड्रॉ करना है, आसान तरीका यही है, स्टार करें उसके फेज करंट से, स्टार के लिए फेज वोल्टेज से शुरुआत करें, डेल्टा के लिए फेज करंट से शुरुआत करें। फेज करंट क्या है? आईएबी, आईबीसी, आईसीए, और हम जानते हैं ये पूरा करंट और वोल्टेज बैलेंस्ड है, इनके बीच में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट है। तो शुरुआत करते हैं हम पहले फेज करंट से। तो फेज करंट मैंने माना कि ये मेरा आईएबी है, ठीक है, और उसके 120 डिग्री बाद, उसके 120 डिग्री बाद मुझे जो मिलेगा वो है बेसिकली आईबीसी, और उसके 120 डिग्री बाद मुझे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? आईसीए। अब हमें इसका ये फेज करंट है, अब हमें इसका लाइन करंट निकालना है। तो लाइन करंट के लिए हमें एक रिलेशन चाहिए। तो अगर मैं इस नोड पे केसीएल लगाता हूँ, इस नोड पे आप केसीएल लगाएंगे तो आप क्या पाएंगे? आईए जो होगा वो किसके इक्वल होगा? आईएबी माइनस ऑफ बेसिकली आईसीए के इक्वल होगा। सिमिलरली अगर आप आईबी निकालेंगे, आईबी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आईबीसी माइनस ऑफ आईएबी के इक्वल होगी। आप निकाल लीजिएगा, यहाँ पे केसीएल लगा दीजिए, करंट एंटर को माइनस, करंट लीविंग को प्लस निकाल के इक्वल टू जीरो कर दीजिएगा, निकल के आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम आईसी निकालते हैं तो वो हो जाएगा आईसीए माइनस ऑफ आईएबी। इस तरीके का रिलेशन आपके सामने ये निकालते हैं। तो हमारे पास आईएबी है और हमें क्या निकालना है? आईएसी निकालना है, या आईएबी माइनस आईबीसी, आईएबी माइनस आईबीसी। एक काम करो, आईएबी में से आईसीए माइनस कर दो, तो हम आईसीए माइनस कर देते हैं लाइक दिस। दिस इज बेसिकली आईसीए, और ये हमारा जो है वो फेज करंट है, ये हमारा जो है वो फेज करंट है, हमें पता है। इसका रिजल्टेंट हम जो भी निकालेंगे वो हमको क्या मिलेगा? बेसिकली इस रिजल्टेंट इज बेसिकली इक्वल्स टू क्या मिल रहा है हमें? आईए मिल रहा। तो ये एंगल जैसे कि मेरे को पता है, हम पहले भी मैंने आपको बताया है, ये एंगल 120 होता है, इसका आधा जो हमने किया है ये 60 हो जाएगा, और ये दो पार्ट में डिवाइड होगा 30 में, ये डिवाइड होगा 30 में। और हम इसके कंपोनेंट को अगर तोड़ लेते हैं तो थीटा से लगा हुआ कंपोनेंट कॉस होता है, तो ये कंपोनेंट एक टूटेगा, एक कंपोनेंट ये टूटेगा। सिमिलरली इसके दो कंपोनेंट और जाएंगे, एक ये जाएगा बेसिकली आई पी साइन 30, और दूसरा चला जाएगा यहाँ पर भी आई पी साइन 30। ये sin 30 आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास जो कंपोनेंट बचा आई ए के अक्रॉस, वो हमारे पास क्या बचा? तो आई ए के अक्रॉस हमारे पास कंपोनेंट बचा, इट इज आई पी कॉस 30। मैग्नीट्यूड ले लीजिए, इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए आप, प्लस इट इज बेसिकली आई पी कॉस 30। तो आई ए जो इक्वल हो जाएगा, इट इज रूट 3 टाइम्स ऑफ आई पी, और आई ए एक लाइन करंट है, तो आई एक और रिलेशन हमारे सामने आ गया, IL equals to root 3 into I, यानी कि हम कह सकते हैं डेल्टा के अंदर जो IA है, जो IB है और जो IC है वो लाइन करंट है, और लाइन करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो root 3 टाइम्स ऑफ दी फेस करंट। किसी को भी ले लीजिए आप, चाहे इससे ड्रॉ करो चाहे इससे ड्रॉ करो, बात एक ही आएगी, है ना। मान लीजिए कि मैं एक काम करता हूँ, इसको भी ड्रॉ कर देता हूँ, मान लीजिए यहाँ से आपने इसको ले लिया, ये रिजल्टेंट जो होगा ये भी वही कहानी देगा, है ना। आप किसी को भी ले लीजिए, एक और रिजल्टेंट ले लो आई माइनस, अभी अपन ने आई बी सी आई सी ए सॉरी कोई भी रिजल्ट ले लो, आप कहीं से भी ले लो। मैंने ये ड्रॉ किए फिर आपको कुछ इसमें आपको समझ में आ रहा है कि आप कल कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो आपका रिलेशन है ना, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
जहाँ तक हमारा हो चुका है, अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा डेल्टा के बारे में, कि यह समझ में आए कि लाइन करंट फेज करंट के इक्वल नहीं होता, लाइन करंट रूट थ्री फेज के इक्वल होता है। ये रूट थ्री जो मैंने मल्टीप्लाई किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके डिजाइनिंग में, कि डेल्टा सस्ता होता है, कहाँ मैं डेल्टा लगाऊँ, कि स्टार सस्ता होता है, कहाँ मैं स्टार लगाऊँ। डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन हैं वो पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, जो हमने स्टार डेल्टा के भी अभी नॉलेज गेन करी है, कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि स्टार और डेल्टा, हमारे पास दो कनेक्शन अवेलेबल है, या तो स्टार होगा या डेल्टा होगा, स्टार होगा या डेल्टा होगा, या हमारे पास स्टार विथ ग्राउंडेड होगा। तो हमारे पास डेल्टा यूज करें कि स्टार यूज करें, कि स्टार विथ ग्राउंडेड यूज करें, ये हमें समझ में आना है। तो उसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉस्ट, हमें हमारे सिस्टम की कॉस्ट को, हमें हमारी सिस्टम की कॉस्ट को कम से कम रखना है, और हमारा ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाए। उसके बाद कॉस्ट के साथ साथ हमें देखनी है कि सिस्टम सेफ होना चाहिए, सेफ्टी ध्यान रखनी है, कि जो पर्सन उस एरिया पे काम कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज के इस लेक्चर में, यानी कि 20 मिनट का जो लेक्चर है, इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन, और बेसिकली कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन और सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, सेफ्टी ऑफ ह्यूमन के बारे में, कि हमें कौन सा कनेक्शन यूज करना है। देखिए, इंसुलेशन कॉस्ट जो होती है, इंसुलेशन मतलब वो होता है कि जो दो वायर के बीच में होता है, कि शॉर्ट सर्किट ना हो और टेम्परेचर को कंट्रोल करे, कि जब किसी वायर में करंट फ्लो होता है, मान लीजिए ये एक वायर है, इसमें अगर करंट फ्लो होता है तो ऑब्वियस ही बात है इसमें हीट डेवलप होगी। तो ये वायर्स दूसरे मतलब किसी भी चीज़ से इंसुलेटेड होते हैं, क्योंकि इसकी हीट अगर ज़्यादा होती है तो फिर ये जल सकता है। तो कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन वायर की हीट पे डिपेंड नहीं करता, वायर की हीट को रोकने के लिए हम इंसुलेशन लगाते हैं, पर इंसुलेशन तो डिपेंड करता है जनरली वोल्टेज से, इंसुलेशन डायरेक्टली होता है वोल्टेज के प्रपोर्शनल। ये ध्यान रखना, हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जनरली पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, कि इंसुलेशन जो होता है उस पे डिपेंडेशन होती है कॉस्ट, यानी कि जिसका वोल्टेज, जिस वाइंडिंग का इंसुलेशन कम है, यानी कि वो लो वोल्टेज पर है, या हम ये भी कह सकते हैं कि जिस जो अगर कोई वाइंडिंग लो वोल्टेज पर ऑपरेट कर रही है, तो हमारा बेसिकली उसका कॉस्ट भी ऑफ इंसुलेशन भी कम होगा। अगर उसकी डिजाइनिंग हाई वोल्टेज पर है तो उसका इंसुलेशन भी ज़्यादा होगा, समझ रहे ना, ज्यादा हाई वोल्टेज होने पर उसका इंसुलेशन बढ़ाना होगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी। यानी कि जिस वाइंडिंग के अंदर, सिंपल समझो, जिस वाइंडिंग के अंदर वोल्टेज की डिजाइनिंग या वोल्टेज कम है, उसका इंसुलेशन भी कम होगा, यानी कि वो कॉस्ट उसका कम होगा। तो हमें अब ढूंढना पड़ेगा कि डेल्टा में वोल्टेज कम होता है कि स्टार में कम होता है। जहां वोल्टेज कम होगा वहां उसका इंसुलेशन कॉस्ट कम होगी, तो हमारे ओवरऑल सिस्टम मशीन की कॉस्ट कम होगी। कैसे? तो ये तो समझ में आ रहा है कॉस्ट। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की बात करते हैं, पहले डेल्टा से। डेल्टा के केस में आप देखें, जनरली इसमें आप फेज जो इनपुट्स होते हैं, ये तीन फेज होते हैं, तीन फेज होते हैं, सिंपल सी बात है। वोल्टेज की बात चल रही है, मैं करंट की यहाँ बात ही नहीं कर रहा, करंट की बात बाद में करूंगा, कि वोल्टेज की बात चल रही है। हमने अभी सीखा डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली किसके इक्वल होता है, वो हमारे फेज वोल्टेज के इक्वल होता है। यानी कि 440 वोल्ट अगर है लाइन में, तो फेज में कितना होगा, 440 वोल्ट। यहाँ पर मैंने 440 वोल्ट दिया, यहाँ पे कितना आ रहा है, 440 वोल्ट, है ना। तो हमारे इनपुट में अगर 11,000 वोल्ट है तो हमारे फेज में कितना आएगा, 11,000 वोल्ट। तो इंसुलेशन की जो बात चल रही थी वो वाइंडिंग में चल रही थी, कि इस वाइंडिंग में इंसुलेशन होता है, इस वाइंडिंग में इंसुलेशन होता है, हर वाइंडिंग में, मतलब चाहे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हो, चाहे आप अल्टरनेटर की वाइंडिंग हो, चाहे आप मोटर की वाइंडिंग हो, उसमें देर इज इंसुलेशन इन दी वाइंडिंग। उस इंसुलेशन की कॉस्ट
उस पे डिपेंड करती है कि वो कितना वोल्टेज ले रही है। यहाँ पर 11,000 वोल्ट था, मान लो ये 11,000 वोल्ट है, तो वाइंडिंग पे कितना जा रहा है? 11,000 वोल्ट। क्या वोल्टेज में कुछ कमी ज्यादा हो रही है क्या? नहीं। तो इसमें इंसुलेशन की कोई बात ही नहीं है, जितना वोल्टेज दोगे उतना आपको इंसुलेशन लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये ट्रांसफार्मर 132 किलो वोल्ट पर काम कर रहा है, डेल्टा ट्रांसफार्मर, तो उसके हिसाब से उसका इंसुलेशन आपको उस वाइंडिंग में लगाना पड़ेगा, और उसके साथ से उसका कॉस्ट भी, उस वोल्टेज के हिसाब से उसकी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो इस केस में तो इंसुलेशन उतना ही लगेगा जितना उसका वोल्टेज है। इसमें वोल्टेज कम ज़्यादा हम कर ही रहे हैं, लाइन और फेज में बराबर है। पर अगर मैं इस सिस्टम को स्टार के केस में ले जाऊं तो थोड़ा सा आप देखेंगे कि चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? स्टार में हम जानते हैं कि ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग होती है, और इंसुलेशन की जो बात होती है वो वाइंडिंग में होती है ना, उसकी वाइंडिंग में हम देखते हैं। तो हमने मान लीजिए यहाँ पर लाइन वोल्टेज जो होता है वो रूट 3 टाइम्स होता है बेसिकली फेज वोल्टेज के लिए, है ना। अगर लाइन वोल्टेज की वैल्यू 440 वोल्ट है तो फेज वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो गई? 440 वोल्ट डिवाइडेड बाय √3, इट इज 240 वोल्ट, नियरली इक्वल्स टू 240 वोल्ट। यहाँ पर इंसुलेशन की जो बात है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ 440 वोल्ट दिया, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आया? 240 वोल्ट। यानी कि हमें अब इस वाइंडिंग की जो डिजाइनिंग है वो इस वोल्टेज पे इंसुलेशन हमें डालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंसुलेशन की जो कॉस्ट है वो बेसिकली कम हो जाती है। इंसुलेशन की कॉस्ट क्या हो जाती है इसमें? बेसिकली कम हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है स्टार इकोनॉमिकल हो गया, स्टार इज इकोनॉमिकल, है ना। अच्छा, एक बात और है, ट्रांसमिशन जो होता है वो लाइन वोल्टेज पर होता है। जनरली आप देखें कि जो ट्रांसमिशन होता है, जैसे कि मैंने 11 किलो वोल्ट को ट्रांसफर किया 220 किलो वोल्ट में, 220 किलो वोल्ट को मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया 33 किलो वोल्ट में, फिर इसको मैंने फिर कन्वर्ट कर दिया 11 किलो वोल्ट में, तो जो ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो लाइन वोल्टेज में होता है। लाइन यहाँ पर स्टार में मान लीजिए 11,000 दिया वोल्ट, ट्रांसमिशन तो लाइन वोल्टेज में हो रहा है, लेकिन क्या इंसुलेशन कम हुआ? यस, इसमें 11,000 बाय √3 हो जाएगा, 86.6300 वोल्ट। फेज वोल्टेज हुआ ना कम, तो इंसुलेशन तो कम ही हो गया, पर ट्रांसमिशन तो 11,000 पे हो रहा है। यानी कि डेल्टा में जब 11,000 फ्लो हो रहा था और स्टार में भी 11,000 फ्लो हो रहा था, दोनों में मेन डिफरेंस क्या होगी कि डेल्टा के फेज में 11,000 के हिसाब से हमें इंसुलेशन डालना पड़ा उसके उसकी वाइंडिंग्स के अंदर, उसके टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसको रोकने के लिए। लेकिन स्टार के केस में फ्लो 11,000 वोल्ट लाइन में हो रहा था, पर उसके फेज में हमें जो इंसुलेशन डालना पड़ा, हर फेज में, किसी एक फेज पे हम बात करते हैं, बाकी सारे फेज चूंकि बैलेंस्ड है, इक्वल है, तो सब में एक ही बात होगी। तो यहाँ कितना हो गया वोल्ट? 6300, यहाँ 11,000 था, 63 हो गया, तो इंसुलेशन कॉस्ट कम हो गई, इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाएगी। सप्लाई तो 11,000 ही जा रही है। तो एक चीज और सीखी कि सप्लाई जो होती है वो लाइन में होती है, लाइन वोल्टेज जो होते हैं 11,220 किलो वोल्ट 33, इट इज लाइन वोल्टेज। और जब इंसुलेशन की बात चलती है तो स्टार में तो ऑब्वियस ही बात है कम हो जाती है, डेल्टा में ज्यादा हो जाती है। अब एक चीज, एक बात और, मैंने यहाँ टॉपिक लिखा है इंसुलेशन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसका क्या मतलब है? अब आपको समझ में आएगा, आज मेरे ख्याल से बहुत कम बुक्स में दे रखा है और समझ में नहीं आता है। जनरली हम ट्रांसफार्मर को स्टार विथ ग्राउंड यूज करते हैं, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेसिकली एप्लीकेशन। इंसुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही आएगी, और यहाँ पर भी जो बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, सेफ्टी जो वाली बात है वो भी आएगी, कि हम जनरली यूज करते हैं डेल्टा तो नॉर्मली, पर स्टार विथ ग्राउंड, स्टार विथ ग्राउंड विथ न्यूट्रल, वी कैन से इट इज विथ न्यूट्रल कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो वो चीज क्या है वो हम आज थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं ग्राउंडिंग हम क्यों करते हैं, मान लीजिए कि ये एक इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर है, इसमें
हमारी 3 फेज सप्लाई होती है और हम 3 फेज सप्लाई देते हैं इस मशीन में, और इस मशीन के अंदर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मशीन घूमती है, ये प्रिंसिपल होता है। कहीं पर भी किसी भी लैब में चले जाओ, कहीं इंडस्ट्री में चले जाओ, ये मशीन जो होती है ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है, ये मशीन कनेक्ट ग्राउंड से होती है। समझ में आ रहा है? किसी भी तरीके की मशीन हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे इंडक्शन मोटर हो, चाहे सिंक्रोनस मोटर हो, चाहे डीसी मोटर हो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड टू ग्राउंड। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि आपने ग्राउंड कनेक्ट क्यों किया, इसका क्या फायदा होगा ग्राउंड कनेक्ट करने से, है ना? ये मैं समझाऊंगा आपको। चाहे कोई भी आप ट्रांसफार्मर लगा लो 3 फेज का, जो 3 फेज ट्रांसफार्मर मैंने आपको अभी थोड़े दिनों पहले समझाया था, यहाँ वाइंडिंग्स होती है, यहाँ वाइंडिंग्स होती हैं, यहाँ वाइंडिंग्स होती है, और ये ट्रांसफार्मर की बॉडी होती है जिस पर ये ट्रांसफार्मर रखा हुआ होता है अंदर, इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड, ये ग्राउंड से कनेक्ट होता है। ये हम समझेंगे आज की क्लास में कि ये सब ये किट बेसिकली हर हर मशीन को हैवी मशीन को, जैसे कि यहाँ पर अगर ये मान लीजिए 11 किलो वोल्ट पे काम कर रही है, या ये ट्रांसफार्मर 11 किलो वोल्ट पे काम कर रहा है, हैवी मशीन जो होती घरों में भली ना करें 220 वोल्ट पे ना करें, लेकिन 11,000 वोल्ट या बहुत हैवी मशीन है जो बहुत हैवी वोल्टेज पे काम करती हैं, बहुत बड़े बड़े मशीन्स होती हैं, वो ग्राउंडेड होती है, उसकी बॉडी जो होती है योग जैसे कहते हैं ग्राउंड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं ये हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं, हम इसको ग्राउंड बेसिकली क्यों कर देते हैं, ठीक है? तो देखिए समझते हैं, इसके अंदर 3 फेज वाइंडिंग है, ऐसा समझ लो। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा मेरे को पेशेंस चाहिए आपकी तरफ से, कि मैंने माना कि ये जो है, पहले मैं मान रहा हूँ कि ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, और इस मशीन के अंदर स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, इस तरीके से ये स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ये आपने आउटर बॉडी ग्राउंड कर दी है। अब मैं आपको इसी के साथ ये भी एक्सप्लेन करूंगा कि इसको यूज करने से क्या नुकसान है और इसको यूज करने से क्या फायदा है, इसका क्या फायदा है स्टार ग्राउंडेड का, वो समझे। तो पहले अपन मान के चल रहे हैं कि एक मशीन है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे अल्टरनेटर हो, जनरेटर हो, इंडक्शन मोटर हो, उसमें 3 फेज कनेक्शन, एक स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये वाइंडिंग, ये मशीन थी जिसमें मैंने स्टेटर को यहाँ रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये था योक, ये योक है या आउटर बॉडी जिसे आप ये बोल रहे हैं आउटर बॉडी, ये इस तरीके रेक्टेंगुलर शेप में मैंने दे रखी है, ठीक है? ये ग्राउंड। अब क्या हुआ कि इस वाइंडिंग का इंसुलेशन फेल हो गया, जल गई, या ये वायर यहाँ पिघलते यहाँ टच हो गया, पिघलते यहाँ पे टच हो गया, यहाँ पे टच हो गया। तो ऐसा मान के चलो कि हमने 11,000 वोल्ट पर काम कर रहे थे, 11,000 वोल्ट पे काम कर रहे थे, यहाँ कितना वोल्ट है 11,000, यहाँ कितना वोल्ट आ जाएगा 11 किलो वोल्ट, 11,000। अगर कोई आदमी इधर आता है और उसने इस वाले उसको टच कर दिया, मशीन चल रही थी, मशीन में अचानक से फॉल्ट आया, फॉल्ट में क्या हुआ कि ये इंसुलेशन, ये जो मुझे जो ये ऐसा समझ लो ये पॉइंट ये वाला है, ये फेल होते होते जलते 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 इसका जो जो करंट है इसकी बॉडी पर आ गया, तो इस आदमी का क्या होगा, इस आदमी का क्या होगा? ये बॉडी इसका अर्थिंग है, ये अर्थ से कनेक्टेड है, ये आदमी जो यहाँ खड़ा हुआ है इसका जो ये बॉडी अर्थ से कनेक्टेड है, इसके अक्रॉस कितना वोल्ट आएगा 11,000 वोल्ट, क्योंकि जो करंट यहाँ से गया उस करंट का जो पाथ है वो ग्राउंड से मिल रहा है, और 11,000 वोल्ट अगर इस बॉडी पे आ गया तो इस बॉडी का क्या होगा, ये बॉडी जल जाएगी, हमको इतना हाई स्पार्क लगेगा कि हम जल जाएंगे, यानी कि मतलब ग्राउंड यहाँ लगाया था सेफ्टी के लिए,
ग्राउंड लगाते सेफ्टी के लिए है, लेकिन ग्राउंड लगाने से भी हम सेफ नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये पॉइंट यहाँ टच हुआ 11,000 वोल्ट इसकी बॉडी से फ्लो हो जाएगा, यानी 11,000 वोल्ट इसको लगेगा और बॉडी जल के खत्म हो जाएगी। इसको आप बोल रहे हैं स्टार अनग्राउंडेड, स्टार अनग्राउंडेड, स्टार अनग्राउंडेड का मतलब हो गया कि इस बॉडी का इंसुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैंने जो ऊपर टॉपिक दिया था आपको कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी कि इस बॉडी का, यानी कि ये जो बाइंडिंग्स लगी हुई है इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे मतलब ये हो गया, यहाँ जो मैंने जितने भी वायर अंदर लगा रखे हैं इसका इंसुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 11,000 वोल्ट। अगर ये पॉइंट इस बॉडी पर टच करता है तो इस पॉइंट पे टच करने पे, क्योंकि यहाँ 11,000 वोल्ट था, ये 11,000 वोल्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये बॉडी में चले जाएगा, कितना है 11,000 वोल्ट। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था वो इंसुलेशन की कॉस्ट बता रहा हूँ मैं, अभी तक मैंने जो कॉस्ट बताई थी वो विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल थी, फेज से न्यूट्रल के बारे में थी ना, कि विद रिस्पेक्ट टू न्यूट्रल हमारा वोल्टेज कम हो जाता है 11/√3 तो बच जाते हैं तो कॉस्ट कम होती है, लेकिन अगर मैं इस रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो कितना 11,000 वोल्ट है। अब मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैंने इसमें क्या किया कि इसी सिस्टम को कॉपी किया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और इसको यहाँ रखा। अब मैंने एक चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया कि इस बॉडी यहाँ पर इसको स्टार विथ ग्राउंड कर दिया, स्टार विथ ग्राउंड कर दिया। अब देखो स्टार विथ ग्राउंड करने से क्या होगा, स्टार विथ ग्राउंड करने से क्या होगा, जैसे ही मैं स्टार विथ ग्राउंड करूंगा, ये ग्राउंड और ये ग्राउंड सेम पोटेंशियल पर है, यानी कि ये जो अर्थ है इस पोटेंशियल पर हो गए। मैं कह सकता हूं कि ये वाइंडिंग है, इसका ये अर्थ है और ये वायर यहाँ टच हुआ, ठीक है, और यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक अर्थ है, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट पर कितना वोल्ट आता है, 11,000 को आप वो 3 डिवाइड करेंगे इट इज कम्स आउट टू बी 6.35 किलो वोल्ट। तो मैंने 6.35 किलो वोल्ट यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब एक चीज और, ये जो ग्राउंड है जो अपन नीचे करते हैं उस ग्राउंड का रेजिस्टेंस कितना होता है, जब मेगर सर्किट से मेजरमेंट पढ़ा होगा, मेगर इज बेसिकली यूज्ड टू फाइंड द ग्राउंड रेजिस्टेंस। जनरली इस ग्राउंड का रेजिस्टेंस हमने मान लो माना कि मिली ओम है, और जो करंट है वो मान लीजिए 1 किलो एम्पियर फ्लो हो रहा है, मान लीजिए हैवी करंट है, मशीन बड़ी है, 1 किलो एम्पियर फ्लो हो रहा है। जब इस सर्किट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा इसको मैं और ठीक कर देता हूँ, और हमने क्या किया इस ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को यहाँ पर कंसिडर कर लिया और यहाँ पर ये कुछ वोल्ट जा रहा है, यहाँ से कितना एम्पियर जा रहा है, ये कोई रेजिस्टेंस है या कितना एम्पियर है 1 किलो ओम का, और ये रेजिस्टेंस है कितना का हमारा, इट इज 10 मिली ओम का, ये कितना ड्रॉप आएगा 10 वोल्ट का, क्योंकि जो करंट गया वो करंट इससे गया और लौट के यहाँ चला गया, इस ग्राउंड से होते हुए वहाँ पे चला गया, एक पाथ पूरा हुआ। और यहाँ पे जो इसने रेजिस्टेंस में ड्रॉप किया है, इस मान लो इसमें इस बॉडी का रेजिस्टेंस भी है और ग्राउंड का रेजिस्टेंस भी है, हम ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस बहुत कम रखते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, उसकी सॉइल होती है, इस जो ये बेसिक ग्राउंड है इसकी जो सॉइल होती है वो इस तरीके से बनाई जाती है कि इसमें ऐसा मटेरियल डाला जाता है कि रेजिस्टेंस कम होता है, तो इतना कम रेजिस्टेंस पर ड्रॉप जो होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट का। और 10 वोल्ट को अगर कोई आदमी छू लेता है, 10 वोल्ट को कोई आदमी अगर छू लेता है तो क्या होगा, उसकी बॉडी में सिर्फ 10 वोल्ट ही फ्लो होगा, 10 वोल्ट से हमको करंट लगता नहीं। यानी कि हुआ ये कि जैसे ही इस आदमी ने इसको छुआ तो इस बॉडी पर कितना वोल्ट आया, सिर्फ 10 वोल्ट, और 10 वोल्ट से हम जलते नहीं है। यहाँ क्या हो रहा था,
यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो ग्राउंडिंग है, जो 1000 वोल्ट आया, जैसे कि मैं इसको भी थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, कि यहाँ से ये 11,000 वोल्ट था और यहाँ पर जो जो करंट था वो करंट को लौटने का बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप देख रहे हैं जो करंट यहाँ इस बॉडी में गया वो लौट के इस ग्राउंड से होते हुए इस लौट गया, ये सेम पोटेंशियल पर है, यानी यहाँ से गया यहाँ, यहाँ से गया यहाँ, सेम पाथ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड ही नहीं है तो वो करंट गया था, करंट कुछ नहीं गया, जो करंट था वो यहाँ नहीं गया, एक सीधा ये वोल्टेज इस बॉडी के अक्रॉस आ जाता है और मशीन जलकर आग हो जाएगी, हम जो आदमी है रख हो जाएगा। तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर इंसुलेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ कितना हुआ, 6.35 किलो वोल्ट, तो स्टार विद ग्राउंडेड में कितना हुआ, 6.35 किलो वोल्ट, तो हमारा इंसुलेशन कॉस्ट भी कम हो गई, इंसुलेशन कॉस्ट भी कम हो गई, यानी कि हम जो न्यूट्रल की बात करते हैं, जो हम ग्राउंड की बात करते हैं, न्यूट्रल की बात करते हैं, वो ज़्यादा सेफ कनेक्शन है, क्योंकि तो उसमें जो जाने वाले करंट का पाथ है वो न्यूट्रल से ही लौट जाता है, जिससे सर्किट में जो ड्रॉप बनता है वो बहुत 10 वोल्ट का बनता है, जिससे हम बच जाते हैं। सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी इलेक्ट्रिकल में सेफ्टी का बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टार विद ग्राउंड लगाना है, कॉस्ट ऑफ इंसुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें स्टार विद ग्राउंड सिस्टम को ही लगाना है। हमारे पास जो सप्लाई आती है वो स्टार विद ग्राउंड आती है, और वो ग्राउंड जो वायर होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उससे हम जो हाथ लगाते हैं उससे हमें करंट लगता है। कभी कभी खंभों में जो होता है, जो आप घर के बाहर जो पिलर्स होते हैं, लाइट वो ग्राउंडेड होते हैं, क्योंकि वही कहानी है, वहाँ 11,000 वोल्ट फ्लो हो रहा है, किसी ने खंभा छू दिया तो क्या होगा, खंभा छू दिया तो क्या होगा, मशीन वो जल सकता है, बच सकता है, इसलिए इसको हमें बड़ा ध्यान रखने वाली ये बात है कि हम बेसिकली इसको ग्राउंड लगाते हैं, है ना। ग्राउंडिंग का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, जो कि मुझे पहले भी मैंने शायद आप डिस्कस किया होगा, ट्रेन्स में ग्राउंडिंग कैसे होती है, ट्रेन्स में जो ग्राउंडिंग होती है वो कैसे होती है, जैसे कि ये जो मैंने अभी समझाया वो आपको समझ में आएगा। ट्रेन्स में 25,000 वोल्ट फ्लो होता है, 25,000 वोल्ट आपका ट्रेन में फ्लो होता है, और 25,000 वोल्ट जो ट्रेन में जब फ्लो होता है तो वो इतना हैवी वोल्ट, हम उस ट्रेन में बैठे हैं और उसमें सिंगल वायर होता है, उसमें ग्राउंड कहाँ होता है, जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये पेंटाग्राफ है, इसमें ये आपकी लाइन है, इस तरीके से पेंटाग्राफ होता है, यहाँ 25,000 वोल्ट है, 25,000 वोल्ट है, ये आपकी ट्रेन है ना, ये आपकी ट्रेन है तरीके से, और इधर ये पटरी है, इसे रेलवे ट्रैक बोलते हैं, ये आपके रेलवे की पटरी है। रेलवे में आप देखते हैं कि ये पटरी को ग्राउंड कर देते हैं, बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पर ग्राउंड कर देते हैं, जो ग्राउंड कर देते हैं छोटे छोटे डिस्टेंस पे, कि जो 25,000 वोल्ट ट्रेन में गया, ट्रेन से वो कन्वर्ट करके ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है, वो यहाँ से ग्राउंड वापस लौट के आ जाता है, और जहां से सप्लाई आ रही है उसको ग्राउंड कर देते हैं, यानी कि ये जो ग्राउंड है ये बिल्कुल सेम पोटेंशियल पर है, ये यहां से सप्लाई मान लो 25,000 वोल्ट आ रही है तो ग्राउंड हो जाता है। अब मान लीजिए ट्रेन चल रही है, मैंने इस पटरी को छू दिया या मैंने इस ट्रेन को छू दिया तो मुझे करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि इस जो इसका रेजिस्टेंस है, इस जो आपका ट्रैक है, उस ट्रैक का जो पटरी है उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वी इजिकल्स टू आई एन टू आर, रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम होता है तो वोल्टेज हमारा बेसिकली बहुत कम होता है। अगर इस ट्रेन को हम ग्राउंड, आप देखें जनरली आप ट्रेन में देखेंगे, ट्रेन कुछ मीटर्स में ग्राउंडिंग की जाती है, बार बार ग्राउंडिंग करते हैं, चेक बड़ा ध्यान रखते हैं कि इसमें कि कुछ मीटर्स में 15 से 20 मीटर में ग्राउंड हो, ऐसा नहीं है कि 1 किलोमीटर पर ग्राउंड दे दिए दूसरा ग्राउंड, तो ये ग्राउंडिंग 15 से 20 मीटर में अलग अलग स्पॉट पे जब तक जहाँ जहाँ ट्रेन जा रही है वहाँ करी जाती है। मान लीजिए एक आदमी आया, उसने इस पटरी को छू दिया, उसे करंट क्यों नहीं लगा, जबकि ये सिंगल लाइन है, करंट जा रहा है, फ्लो हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो करंट क्यों नहीं लगा, क्योंकि उधर उस पटरी पर वोल्टेज बहुत कम है,
रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी कम है, इतनी ज्यादा कम है कि वोल्टेज इसका 10 से 15 वोल्ट ही है। बड़ा ध्यान रखा जाता है न्यूट्रल ग्राउंडिंग का, ट्रेन में ग्राउंडिंग का बड़ा ध्यान रखा जाता है, क्योंकि इसकी अगर ये ग्राउंडिंग मान लीजिए मैंने यहाँ से हटा के यहाँ से मैंने यहाँ कर दी और डिस्टेंस यहाँ ये ग्राउंडिंग कर दी 1 किलोमीटर की, तो क्या होगा इसका जो आपका टोटल आपका रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, और कोई अगर इस पटरी को छू देगा तो जल जाएगा। बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो हमें जो ग्राउंडिंग करनी है वो 10 से 15-20 मिनट, जो भी इसका कुछ कुछ एक कैलकुलेशन रेलवे के वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको, बहुत कम कम डिस्टेंस पे ग्राउंडिंग कर देते हैं, और स्पेसिफिकली कोई बंदा या छूता भी है तो उसको जो करंट लगेगा वो बहुत कम, 10 से 15 वोल्ट, 6 वोल्ट, जो भी वोल्ट आता होगा वो कम आता है, जो कि बॉडी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो सेम कहानी जो है यहाँ हो रही है कि यहाँ पर इस बॉडी को कोई टच करता है तो यहाँ पे वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो इंसुलेशन रेजिस्टेंस, क्योंकि ये पाथ और ये पाथ सेम हो गए, अब दोनों पाथ सेम हो गए तो ये रेजिस्टेंस इसके एक लूप में आ जाता है और उसका ड्रॉप 10 वोल्ट का ही होता है तो बच जाते हैं। इसीलिए हर बॉडी को स्टार कनेक्टेड विथ न्यूट्रल इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, जहाँ भी सप्लाई आ रही है वो विथ न्यूट्रल वायर भेजते हैं और उसको ग्राउंड किया जाता है, जनरली हम ग्राउंड करके ही वायर भेजे जाते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। हम समझ सकते हैं थोड़ा बेसिक का आपने प्रैक्टिकल साइड में सीखा, हमने डेल्टा के बारे में सीखा। नेक्स्ट क्लास थोड़ी टफ है, टफ इन द सेंस ये है कि इसमें डिटेल्ड एनालिसिस है इसके रेजिस्टेंस और इंसुलेशन के बारे में, कि स्टार में और डेल्टा में रेजिस्टेंस और नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, हाई वोल्टेज हाई करंट में हमें कौन सा एप्लीकेशन लगाना है, लो वोल्टेज हाई करंट में हमें कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाना है, तो वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है थोड़ा सा आपको उससे पहले स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स पूरे आपको आने चाहिए, तब थोड़ा सा आपको समझ पाएंगे। बाकी मेरी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट सेमेस्टर जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर जो कि 3.4 और इसी वीक का पार्ट है, इसी वीक में आपको 4 लेक्चर्स कवर करने हैं और उसके बाद फिर आपका एक उसमें आखिरी में एक सेशन है जिसमें आपको बेसिकली एक वन क्विज इज देयर, वो क्विज आपको सॉल्व करना है और वो सॉल्व करने के बाद हम नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स को मैं अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।